उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। स्थानीय निकायों के चुनाव प्रक्रिया अगले साल 5 जनवरी से पहले पूरे की जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP वुड फील्ड इट्स कैंडिडेट्स फॉर द लोकल बॉडी इलेक्शंस। शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP ने आज तक केवल UP के विधानसभा चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। NCP के अलावा बिहार की राष्ट्रीय जनता दल RJD और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड JDU भी इस बार यूपी में लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ेगी। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। RJD दूसरे दलों से इसमें शामिल होने वाले अच्छे नेताओं को टिकट देने से नहीं हिचकिचाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पार्टी उन सीटों के बारे में फैसला करेगी जहां वो चुनाव लड़ेगी। यूपी में 17 नगर निगम, 200 से अधिक नगर पालिका और 517 नगर पंचायतें। अब स्टेट पंचायत ऑफ JDU अनूप सिंह पटेल के हवाले से खबर है कि JDU ने यूपी में 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और शहरी क्षेत्रों पर विशेष फोकस है। अब हम बात करते हैं छोटे दलों की, तो यूपी में कम जीत के मार्जिन से उत्साहित बड़े सहयोगियों द्वारा दरकिनार किए गए छोटे दलों ने अपने विकल्पों को बड़ा कर दिया है। ये घोषणा करते हुए कि वे लोकसभा चुनावों में सबसे शक्तिशाली गठबंधन में शामिल होंगे। कुछ महीनों पहले विधानसभा चुनाव के दौरान जो गठबंधन मजबूत दिख रहा था वो अब विपक्ष के पाले में बिखरने लगा है। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले खेमे में भी कई मुद्दों पर असहजता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी खेमे में सपा ने 8 महीने पहले OP राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ा था। महान दल शिवपाल सिंह के नेतृत्व वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, जनवादी पार्टी समाजवादी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP। अब उनमें से 3 पार्टियां SBSP, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और महान दल ने महागठबंधन के गठन के कुछ महीनों के अंदर ही उसे छोड़ दिया है और राष्ट्रपति चुनाव में भगवा पार्टी के उम्मीदवार के लिए मतदान किया। इन दलों के नेताओं श्री राजभर यादव और श्री मौर्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे 2024 के संसदीय चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं और राज्य के राजनीतिक माहौल को ध्यान में रखते हुए किसी भी गठबंधन में शामिल होंगे। अब 2024 के चुनावों में अगर भाजपा अपने दम पर केंद्र सरकार नहीं बना पाती तो उन्हें भी सहयोगी दलों की जरूरत होगी। ये दिलचस्प है कि मिर्जापुर से 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव जीतने वाली अनुप्रिया पटेल को विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले 2 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल किया गया था, जब उन्होंने भाजपा पर दबाव बनाया था। अब सपा ने अपना दल सोनेलाल को 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान विपक्षी गठबंधन में शामिल होने का मौका दिया और उससे पिछड़े वर्ग की एकता बनाने की भूमिका निभाने को कहा। आमतौर पर कुछ जिलों में सीमित जाति आधार वाले उप क्षेत्रीय दल अपनी सीमाओं को जानते हैं और प्रमुख राजनीतिक ताकत के साथ बने रहने की कोशिश करते हैं। यूपी के मामले में क्योंकि भाजपा केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में है तो इन दलों का झुकाव स्ट्रगलिंग ऑपोजिशन की तरफ कम है। मगर क्या शरद पवार की NCP, बिहार की राष्ट्रीय जनता दल RJD और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड JDU इस बार कुछ अलग कर पाते हैं? देखना दिलचस्प होगा। खैर, देश दुनिया की सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।